चमकती पर्पल आंखें और अपने लंबे शरीर के साथ एंडरमैन क्रीपर के बाद दूसरा ऐसा मॉब है जो माइनक्राफ्ट की दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है। एंडरमैन जो देखने में डरावने और खतरनाक लग सकते हैं, पर असल में एंडरमैन वो नहीं है जो हम सोचते हैं। पर इस वीडियो के एंड तक आपको एक आइडिया जरूर आ जाएगा कि एंडरमैन क्या है। ये अजीब से क्रिएचर माइनक्राफ्ट में सबसे इंटरेस्टिंग मॉब है, क्योंकि वो ना सिर्फ टेलीपोर्ट करते हुए देखे जा सकते हैं बल्कि वो ब्लॉक्स को भी उठा सकते हैं। और यही नहीं, हमारे कैरेक्टर की ही तरह एंडरमैन इकलौते ऐसे हैं जो माइनक्राफ्ट के तीनों डायमेंशंस में देखे जा सकते हैं। पर एंडरमैन की खासियत यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जितना उनका रंग गहरा है उतना ही गहरा उनका ओरिजिन है। और जैसा कि हमने माइनक्राफ्ट की बैक स्टोरी में जाना, एंडरमैन माइनक्राफ्ट के एंड तक पहुंचने के लिए एक जरूरी पीस है और उसके एंड तक पहुंचने के लिए जरूरी है। पर ऐसा नहीं है कि वो माइनक्राफ्ट का इकलौता पीस है, और हम आने वाली वीडियोस में उसके बाकी पीस जैसे कि इलेजर्स, विदर, पिगमेंट्स और वार्डन, इनके बारे में भी जानेंगे। पर आज की वीडियो में मैं आपका ध्यान इन चमकती पर्पल आंखों वाले रहस्यमय एंडरमैन की ओर लेने वाला हूं, और मैं आपको बताऊंगा क्यों वो हमारी मदद कर रहे हैं, कैसे वो हमारे पास पहुंचे, क्यों उनकी आंखों में देखने पर वो गुस्सा हो जाते हैं, और एंड वर्ल्ड में वो शानदार एंड सिटी किसने बनाई। तो इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें जानना होगा ये सब शुरू कैसे हुआ। तो ये सब शुरू हुआ जब सबसे पहली बार विलेजर्स एंडरमैन से मिले थे। ये वो समय था जब स्टीव और एलेक्स अभी नहीं आए थे, और विलेजर्स नेदर वर्ल्ड से अपने सफर के बाद वापस नॉर्मल वर्ल्ड में आ गए थे। वो कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं किया गया था। उन्होंने ना सिर्फ नर्क जैसी जगह से वापसी की थी, बल्कि उन्होंने नेचर को बदलने की कोशिश की थी। वो नेदर में गए तो थे अपनी गलती सुधारने के लिए, पर ऐसा करने पर उन्होंने अनजाने में कुछ नई गलतियां कर दी थी, और एंडरमैन उनकी उसी गलती का नतीजा था, क्योंकि विलेजर्स के नॉर्मल वर्ल्ड में लौटते ही एंडरमैन भी उनके साथ वहां आ गए थे। एंडरमैन जो विलेजर्स के लिए अजीब थे, इसलिए वो उससे डरते थे। पर दूसरी तरफ एंडरमैन जो समय की शुरुआत से ही अंधेरे से भरे एंड वर्ल्ड में रहते थे, उनके लिए नॉर्मल वर्ल्ड एक नई जगह थी, और जो चीजें हमारे लिए नॉर्मल थी उनके लिए वो खतरनाक थी। और उस समय भी एंडरमैन आज की तरह थोड़े डरावने थे, पर उस समय वो आज की तरह उन्हें देखने पर गुस्सा नहीं होते थे। और जब एंडरमैन उन बिल्डर से पहली बार मिले थे, तो वो उन्हें चीजें बनाते हुए देखकर बहुत प्रभावित थे। उन्हें बिल्डिंग बनते हुए देखकर इतनी खुशी मिलती थी कि उन्होंने भी उनकी तरह ब्लॉक्स को उठाना शुरू कर दिया। पर क्योंकि वो बिल्डर नहीं थे और किसी टूल को बनाना नहीं जानते थे, वो बाकी ब्लॉक्स को माइन नहीं कर सकते थे, और एंडरमैन इस बात को समझते थे, इसलिए वो ब्लॉक्स को तोड़ने की बजाय उन्हें किसी गिफ्ट की तरह बिल्डर्स को देते थे और उनसे दोस्ती करने की कोशिश करते थे। उन्होंने उनसे दोस्ती करने के लिए उनकी भाषा को भी समझने की कोशिश की, पर वो कुछ ही चीजें बोलना सीख पाए, और वो भी विलेजर्स के लिए समझ पाना थोड़ा मुश्किल था। पर एंडरमैन को बिल्डर्स का काम इतना पसंद था कि वो उन बिल्डर्स को अपने साथ अपने घर लेना चाहते थे, इसलिए वो उन्हें बताने लगे कि कैसे वो उनसे मिलने वाले पर्ल को इस्तेमाल कर उनकी दुनिया में जा सकते हैं। उन बिल्डर्स को भी टाइम लगा ये समझने में कि वो एंडरमैन क्या कहना चाहते थे, पर जब उन्हें आखिरकार समझ आया जो वो कह रहे थे, तो उन बिल्डर्स ने एक पोर्टल बनाया जिससे वो एंडरमैन के वर्ल्ड तक पहुंच सकते थे। वो नेदर में तो गए थे, पर एंडरमैन की दुनिया उनके लिए अनजान थी, इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ वहां जाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने सारे आर्मर को एन्चेंट किया, और कुछ और चीजें जो उन्हें वहां रहने में मदद करने वाली थी उन्हें भी अपने साथ ले लिया। उन्होंने अपने साथ ऑब्सीडियन, प्लेस पाउडर और नेदर से कुछ और चीजें भी ले ली, ताकि अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो वो एक नेदर पोर्टल बनाकर वापस लौट सकते थे। और फिर एक लंबी तैयारी के बाद उन बिल्डर्स ने उस पोर्टल को बनाया और उस पोर्टल में छलांग लगा दी। उस पोर्टल में छलांग लगाने के बाद उन्होंने पाया कि वो एक दुनिया में थे जहां सिर्फ अंधेरा था और कुछ नहीं था। वो पहले तो खुश हुए, पर जल्द ही उन्होंने पाया कि वो सिर्फ एक तरफ का रास्ता था और वहाँ से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। पर परेशान होने की बजाय उन्होंने वो किया जो कोई भी बिल्डर करता, उन्होंने एंड वर्ल्ड में भी चीजें बनाना शुरू कर दी। पर वहाँ काम करने के लिए सिर्फ एक ही रिसोर्स था, और वो था कोरस ट्री। वहाँ भले ही अलग तरह के रिसोर्स नहीं थे, पर जो था वो उनके लिए काफी था, क्योंकि उन्होंने जल्द ही उन्हीं रिसोर्स से एक पूरी एंड सिटी बना दी थी, और उन्होंने जो अपने साथ रिसोर्स लिए थे उन्हें बहुत ध्यान से इस्तेमाल करते हुए वहाँ लाइट के लिए ब्लेज पाउडर के इस्तेमाल से एंडर रॉड भी बनाई। अगर सब कुछ वैसा ही होता जैसा वो चाहते, तो शायद वो उनका नया घर होता। पर खाने की कमी के कारण उन्हें मालूम था कि अगर वो जल्द ही वहाँ से नहीं निकले, तो शायद वो हमेशा के लिए वहीं फंस जाएंगे। इसलिए खुद को बचाने के लिए उन्होंने जिस तरह एंडरमैन के बारे में पढ़ाई की थी, उसी तरह वो कोरस ट्री को पढ़ने लगे, और उनकी रिसर्च पे उन्हें पता चला कि कोरस ट्री कोई साधारण चीज नहीं थी, क्योंकि उसमें से निकलने वाला कोरस फ्रूट किसी को भी टेलीपोर्ट करने की एबिलिटी दे सकता था। और ये जानकारी उनके लिए काफी थी ये समझने के लिए कि एंडरमैन टेलीपोर्ट कैसे करते थे, क्योंकि एंडरमैन का फेवरेट फ्रूट था कोरस फ्रूट। और ये जानने के बाद उन्हें वहां से बाहर निकलने का रास्ता दिखने लगा था,
इसलिए वहां से बाहर निकलने के लिए वो एंडरमैन और कोरस फ्रूट को और भी ध्यान से पढ़ने लगे और समय के साथ उन्होंने पाया एंडरमैन और कोरस फ्रूट आपस में जुड़े हुए थे, क्योंकि जो एंडरमैन के पर्ल थे वो कोरस फ्रूट की ही तरह थे पर उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और उन्होंने पाया वो एंड वर्ल्ड में और दूर तक टेलीपोर्ट कर सकते थे, पर उन्हें सिर्फ एंड वर्ल्ड में ही टेलीपोर्ट नहीं करना था बल्कि उन्हें एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जाना था। उनके पास वहां से बाहर निकलने का प्लान तो था पर वो उसे इस्तेमाल करने से पहले आई ऑफ एंडर को और समझना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पहले से छिलकर जैसे क्रिएचर बना दिए जो टेलीपोर्ट तो कर सकते थे पर वो इतने स्ट्रांग नहीं थे। और फिर थोड़ा और ताकतवर पोर्टल बनाने के लिए उन्होंने आई ऑफ एंडर को लिया और उससे मिलाया जिसने ये सब शुरू किया था, यानी कि ऑब्सीडियन से। उन्होंने एक एंडर चेस्ट बना दी और एंडर चेस्ट को बनाने के बाद उन्हें यकीन था कि वो वापस घर तक पहुंच सकते थे, इसलिए सभी टेस्ट करने के बाद उन्होंने अपने अल्टीमेट पोर्टल बनाने का फैसला लिया और उस पोर्टल को बनाने के लिए उन्होंने उसमें सब कुछ लगा दिया जो भी वो अपने साथ लाए थे। और उसके साथ उन्होंने उस आइलैंड पर बड़े बड़े ऑब्सीडियन के पिलर बना दिए। वो दूर से देखने पर किसी बड़ी रेसिपी की तरह लग रहे थे और वो आइलैंड किसी क्राफ्टिंग टेबल की तरह था, क्योंकि वो एक बड़ा पोर्टल था तो उस पोर्टल को चार्ज करने के लिए उन्हें एनर्जी भी ज्यादा चाहिए थी, इसलिए उन्होंने इस बार आई ऑफ एंडर को गास टियर से जोड़ दिया और एक क्रिस्टल बना दिया जो उस पोर्टल को पावर करने वाला था। और आखिरी क्रिस्टल को रखने के बाद वो सोच रहे थे कि अब एक पोर्टल खुलेगा जिससे वो वापस घर लौट सकते हैं, पर जो उसे रखने पर निकला वो घर का रास्ता नहीं था बल्कि वो था एक बड़ा सा ड्रैगन, जिसकी एक पुकार से ही एंड वर्ल्ड के एंडरमैन में कुछ बदलाव आ गया था और वो उस ड्रैगन से डरने लगे। वो बिल्डर जानते थे कि उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी थी और वो उससे नहीं लड़ सकते थे, इसलिए ड्रैगन से बचने के लिए उन्होंने उस कोरस फ्रूट को खाया और वापस एंड सिटी में टेलीपोर्ट हो गए। और अब वो वहाँ पूरी तरह से फंस गए थे और उन्होंने देखा सभी एंडरमैन जो पहले बिल्डर को देखकर खुश होते थे तो अब जब कभी भी कोई उनकी आंखों में देखता तो वो गुस्सा हो जाते, क्योंकि उन बिल्डर्स ने उनकी आंखों को लिया था और एक ऐसा ड्रैगन बना दिया था जिसके वो गुलाम बन गए थे। वो भले ही एंड वर्ल्ड था पर सभी यहीं खत्म नहीं हुआ, अब भी एक उम्मीद थी, वो बिल्डर्स अब भी वापस लौट सकते थे पर ऐसा करने के लिए उन्हें एंडरमैन बनना पड़ना था। वो बिल्डर जानते थे कि वो वैसे भी बचेंगे नहीं पर अपनी गलती को ठीक करने के लिए और मदद को ढूंढने के लिए उन बिल्डर्स को वो करना पड़ा। वो जानते थे कि कोरस फ्रूट उन्हें टेलीपोर्ट कर सकता था, जिसके बाद उन्होंने कोरस फ्रूट को खाना शुरू कर दिया। उन्हें टाइम लगा पर धीरे धीरे वो भी एंडरमैन में बदल गए। वो टेलीपोर्ट तो कर सकते थे पर अब वो ना चीजें बनाना जानते थे और ना ही वो बोल सकते थे, और अब जो वो कर सकते थे वो था इंतजार एक हीरो का जो उन्हें और बाकी सबको उस एंड से बचाएगा। पर एंडर ड्रैगन अपनी आंखों से देखने के बाद ये मुश्किल ही है कि कोई एंडरमैन फिर से कभी किसी को अपनी आंखों में इतनी आसानी से नजर भी डालने देगा। और इस तरह एंडरमैन आए थे माइनक्राफ्ट में और वो बने वो एंडरमैन जिन्हें हम आज जानते हैं। तो ये थी स्टोरी एंडरमैन की। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो पे लाइक छोड़ना मत भूलिएगा और साथ में जाने से पहले कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और आप अगली स्टोरी किसकी देखना चाहोगे, माइनक्राफ्ट से विदर की स्टोरी, सुपर ट्रूप्स की स्टोरी या फिर एक लंबे समय से पेंडिंग पायरेट किंग की स्टोरी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, देखने के लिए शुक्रिया, फिर मिलते हैं एक और मजेदार स्टोरी के साथ। देखने के शुक्रिया, फिर मिलते हैं।